गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। हाँ, आप सबके लिए तो गुड मॉर्निंग होगा, लेकिन मेरे लिए गुड मॉर्निंग नहीं बोल सकते। सुबह लगभग 3 बजे वहाँ से निकल के आए थे, घर से 2 बजे उठा, फ्रेश किया, उसके बाद 3 बजे वहाँ से निकला। हालांकि अभी तक मुझे काठमांडू पहुँच जाना चाहिए था, काठमांडू तो नहीं बल्कि अब रास्ता में हो। उसका कारण क्या आपको दिखा दिया, रीज़न आगे शायद एक्सीडेंट हुआ था क्या, बहुत जम के ट्रैफिक था। लगभग 1 घंटा ज़्यादा हम लोग ट्रैफिक में रहा, कोई मूवमेंट ही नहीं था, बिल्कुल मूवमेंट नहीं हो रहा था गाड़ी ना। सब यहाँ है तो फ्रेश करते हैं, उसके बाद चाय पानी करते हैं। फिर तो यही है ब्रेकफास्ट आज का, बाकी लंच में तो घर पहुँच जाएगा। चलिए मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ। सो गाइस, नाश्ता पानी कर लिया, अभी निकलते हैं काठमांडू के लिए, फिर काठमांडू जाके मिलते हैं। ऐसा है हमारा गाड़ी। सो गाइस, आ गए अभी काठमांडू, फाइनली काठमांडू आ गया। काठमांडू बात 12 बजे क्या, ये जगह का नाम है थानकोट। उसके बाद शाम को घूमने चलते मनाश्री घूमने, अपना गुम्बा में आप लोग दिखाएगा। गाइस, मैंने बाल भी काट लिया और फ्रेश अप हो गया, अभी वो आपको दिखा नहीं पाया ब्लॉग बना के, माफ़ करना उसके लिए। अभी जा रहा हूँ मैं गुनपा में, और ये देखो ये नया सिस्टम है, बढ़िया है। इसको बोलते हैं पठाओ, बाइक से जाएगा। क्या बनता है इसे, पठाओ? पठाओ है ना, ये टैक्सी जैसा काम करता है ना। सो ये टैक्सी का तरह काम करता है। सो पहला एक्सपीरियंस अपना, चलो चलते हैं। पहले से रास्ता बहुत बेहतरीन हो गया है, एक बात तो थोड़ा धूल कम है। आज से लगभग 3 साल पहले जब मैं यहाँ आया था, बहुत धूल था यहाँ में, तो सोचा मैं बहुत धूल होगा इसलिए मास्क लगा लिया, पर इतना धूल नहीं है, बाय गॉड। रास्ता बहुत बेहतरीन हो गया पहले से। सबसे अच्छी बात तो ये देखो, बाइक में हवा खा के पूरा व्यू देख के आप मज़ा लेके जा सकते हैं, और ये भी टैक्सी की तरह ही है, ऑनलाइन पे कर सकते हैं आप इसका। ऑनलाइन भी नहीं बुक कर सकते है? ओके, ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। और नाम है पठाओ को, ऐसे एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, डाउनलोड करना पड़ता है ना सर, एप्लीकेशन है ना। ओके, हाँ ओके। जैसे करीम उबर होता है हमारा दुबई में, उसी तरह ये भी एक पठाओ बोल के। यहाँ का मौसम बहुत ज़बरदस्त है फिलहाल, मौसम भी अच्छा है, इतना धूल नहीं है कंपेयर टू 2018-19, उस वक्त तो बहुत रास्ता ख़राब था यहाँ, फिलहाल अच्छा हो गया रास्ता। आप में से बहुत लोग बाहर देश में होंगे, कोई दुबई, कोई मलेशिया, कोई सिंगापुर, कोई यूरोप कंट्री, दुनिया के हर कोना में होगा जो पहले क्या नेपाल में आए होंगे। तो आज मैं आपको अपना वीडियो के ज़रिए फिर से याद दिलाना चाहूँगा, फिर से आपका मेमोरी जो है रिफ्रेश करना चाहूँगा। फिलहाल मैं जा रहा हूँ आपका स्वयंभू, और ये सिटी का बीचों बीच होके जाएगा। वैसे तो मैं ऑलरेडी सिटी में हूँ। नेपाल का जो ड्राइविंग स्किल है वो लाजवाब है, वो आप देखने को मिलेगा इस वीडियो में। यहाँ एक ही लाइन है, और यहाँ गाड़ी बाइक चारों ओर से आता है, सर चारों तरफ से आएगा आपको यहाँ, तो उससे आपको बच के ड्राइव करना होगा या राइड करना होगा। यहाँ कोई एग्जिट पॉइंट या एंट्री पॉइंट नहीं है, बस आपको जहाँ मन करे वहाँ एग्जिट है, जहाँ मन करे वहाँ एंट्री है, तो आपको बहुत केयरफुली ड्राइव करना होगा यहाँ। ये देखो बिना इंडिकेटर का ठोकने आ रहा है। भिडियो लिनुहुन्छ होइन, हजुर, अनि एकचोटि के गर्नु भनेपछि उता के अरे कोटेश्वरदेखि लिएर होइन, हजुर, यता रिङ रोड एउटा छ नि कोटेश्वर, कोटे उयो के अरे के भन्छ माइती घरबाट लिएर तपाईँ भक्तपुरसम्मको लिनु। ओके, बाटो बाटोकै है, त्यो बाटो चाहिँ अलिक राम्रो छ, 6 लाइनको रोड होइन, त्यो चाहिँ राम्रो छ त्यो बाटो। काठमाडौँ रिङ रोडदेखि भक्तपुर, होइन माइती घरबाट भक्तपुर, माइती घर, हजुर, त्यो माइती घर पनि कहाँ छ?
माइती भर भनेको यता तपाईँको यो सुन्दरा छ नि हजुर नयाँ बानेश्वर थाहा छ तपाईँलाई हजुर नयाँ बानेश्वर सुनेको छ नयाँ बानेश्वर थाहा छैन त्यही नयाँ बानेश्वरतिर के अरे यतातिर छ तपाईँको नयाँ बानेश्वर यो छापा खाली हुँदै जाने ओके वाकई में पहले के कंपेयर में रास्ता बहुत अच्छा हुआ बहुत बेहतर हो गया यहाँ में बिल्कुल धूल नहीं है। अभी जब मैं राइड कर रहा हूँ तो मेरा दिल में एक ख्याल आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि कल या परसों आप सब के लिए एक बिल्कुल सिटी टूर का वीडियो बना के दूँ आपको। देखो यहाँ में बढ़िया क्या बात है बोले सबका, टैक्सी में तो गाड़ी के अंदर से बनाना वीडियो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन जब बाइक में रह के आप ब्लॉग बनाते हो ना तो बड़ा आसान रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं पूरा कवर कर सकता हूँ, बहुत रोड कवर कर सकता हूँ, है कि नहीं। देखो गाड़ी में उनसे सिर्फ आप एक ही साइड के कवर कर सकते हैं जिस साइड पे आप रहते हो, लेकिन बाइक में आप बहुत साइड पूरा चारों ओर आप कवर कर सकते हैं। अभी मैं कलंकी पहुंचने वाला हूं, यहां से लगभग कितना 50 मीटर ही है, लगभग 100 मीटर बोलूं, कलंकी आ चुका हूं। और जहां मैं रहता हूं थनकोट फैमिली के वहां में, वहां से यहां आने के लिए लगभग पहले 15 मिनट लगता है, लेकिन जो रास्ते की दुविधा के कारण से बोलूँ या रास्ते ख़राब होने की वजह से कभी एक घंटा लग जाते थे, ट्रैफिक बहुत होते थे, बहुत सारा रास्ता ख़राब था। एक तो अभी रास्ता अच्छा कर दिया है, ना तो इतना ट्रैफिक बनता है ना इतना धूल धाल है, सो 10-15 मिनट में मैं यहाँ पहुँच गया कलंकी। और अभी यहाँ से मैं जा रहा हूँ स्वयंभू, इस जगह का नाम है कलंकी और यहाँ से मैं रहने वाला लगभग 15 मिनट है, जैसे कि मैंने आगे भी आपको बताया, वहाँ से यहाँ आने के लिए लगभग एक घंटा लग जाता था या मिनिमम 45 मिनट लगता था जब मैं पहली बार आया था 2-3 साल पहले यहाँ, बहुत दूर थे। लेकिन अभी लगभग 15 मिनट 10 मिनट में पहुँच गया, शायद 10-15 मिनट भी नहीं लगाओ, और धूल बिल्कुल नहीं है। मैंने मक्स खरीदा, मैंने सोचा कि बहुत धूल होगा, पर धूल नहीं है। लेकिन जो ड्राइविंग यहाँ में है, माई गॉड, आपका क्या बोलेगा, जान ले लेगा, इतना भयंकर है। तो ये है सिटी का बीचों बीच हम अभी, और यहाँ का नज़ारा ऐसा है आप देख सकते हैं। रास्ते में काफ़ी सुधार आया है, शंभू टेम्पल, शंभू है ना, शंभू, हाँ मैं आपको वहाँ भी लेकर चलूँगा शायद कल या परसों। ओ तेरी रास्ता मंगा कसर ही ना ऐसा, हाँ मामा साइकिल लागे पनि हड्डी बाँचिन्छ भने गाडी लाग्यो भने के हुन्छ, गाडी बाइक लाग्यो टेन्सन छैन मान्छेहरूलाई। यदि आप हार्ट पेसेन्ट नहीं है तो आपको ट्राई करना चाहिए पठाओ, यदि हार्ट पेसेन्ट हो तो बिल्कुल मत करिएगा। बाकी बढ़िया है, यदि आप एक ब्लॉगर है तो डेफिनेटली आपको ये ट्राई करना चाहिए पठाओ, जो कि बाइक से राइड करके आपको सिटी घुमा सकते हैं मजा से। और लगता है हम लोग शैम्पू का अगल बगल आ गए हैं, ये उठाओ नाम क्यों, हाँ तो हम शैम्पू आ गए हैं और यहाँ से मेरा डेस्टिनेशन नज़दीक ही है अभी, वहाँ पे 3 बुद्धा है, वहाँ पे मैं आपको कल लेकर जाऊँगा, आज नहीं सकेगा, आज ऑलरेडी शाम हो चुका है क्योंकि मैं गोंपा जा रहा हूँ। सो यहाँ से अभी हम लोग गोंपा के लिए जा रहे हैं अंदर, ये जगह का नाम ठुलो वरिंग है। यहाँ गली में कुछ खास डेवलप नहीं हुआ है, जैसा पहले थे वैसा है, डेवलप होने का जगह थोड़ा बहुत उल्टा बतर हो गया यहाँ तो। ठुल्लो बोर्डिंग मार्केट, हाँ हाँ मलाई यहाँ छोड़ दें हुन्छ कि होइन न जम किनकि मलाई सामान पनि लिएर जानुपर्छ, देन फास्ट राइट। सो अपना गली आ गया फाइनली लगभग 3-4 साल के बाद, टेक राइट 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 राइट, टेक राइट 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 राइट, सीधा जानू सीधा सीधा जानू सीधा जानू यो भित्र। सो दिस इज आवर मोनास्ट्री, यो हजुर यो गुम्बा हजुर, थैंक यू।
तो मेरा पटाऊ में पहला एक्सपीरियंस था संतोष ठाकुर, संतोष ठाकुर ब्रदर के साथ, और ये बढ़िया था। मैंने आपको सिटी थोड़ा सा टूर कराया और आज के ब्लॉग शायद यहीं तक है, लेकिन मैं अंदर जाके दिखाऊंगा। मनाशी एक दो भाई से मिलाएंगे, फिर आज के ब्लॉग यहीं समाप्त करता हूँ। वेलकम टू फुनचोक छोइलिंग मनास्ट्री गाइस। ये वो मठ है जहाँ मैंने पढ़ाई किया है लगभग 8-10 साल, और इस गुनपा का नाम जैसे कि मैंने आपको बताया फुनचोक छोइलिंग है।